खंडवा जिले में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बावजूद जिला प्रशासन सतर्क नहीं दिख रहा है। जिले में लगातार कौओं की मरने की संख्या बढ़ती जा रही है। रविवार को भी कुछ स्थानों पर कौवा मरने की सूचना मिली। खंडवा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर 4 कौओं की मौत हो गई, जिनमें से 3 को कुत्तों ने खा लिया है, जिसके बाद कुत्ते भी मर गए हैं। कुत्तों के मरने की सूचना रेलवे हेड टीसी अनिल सोनी ने पशु चिकित्सा विभाग को दी। स्थानीय समाज सेवी सुनील जैन ने रेलवे प्रशासन, जिला प्रशासन और नगर निगम को उक्त जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर पशु चिकित्सा अधिकारी और नगर निगम के कर्मचारी मौके पर पहुंचे। आज सुबह भी मुझे यहाँ से मल्लू जी का और सेठी जी का फोन आया कि खंडवा के प्लेटफॉर्म नंबर 5 नंबर पर भी 2-3 कुत्ते और 2-3 कौवे मरे हुए पड़े हुए हैं। तो तत्काल मैंने सबसे पहले पशु चिकित्सालय के विभाग के जो निगम साहब हैं और भी जो अधिकारी हैं उनको तत्काल सूचना दी। साथ ही नगर निगम प्रशासन के जो सैन्य स्वास्थ्य अधिकारी उनको भी सूचना दी। रेलवे प्रशासन के मीना जी एसएम जो है उनसे भी बात करी कि तत्काल भैया इसको उठाओ, क्योंकि 3-4 दिन हो गए हैं, लगातार कहीं ना कहीं बदबू भी फैल रही है और लोगों का आवागमन भी है, उससे कहीं बड़ी दुर्घटना न हो जाए तो तत्काल इसको डिस्पोजल करने की कार्रवाई की जाए। तो लगातार वो सब पूरी टीम जो है अस्पताल की टीम भी पूरी यहाँ आ गई, रेलवे प्रशासन के जो सफाई कर्मी वो भी तैयारी से पूरी आ गए हैं और डॉक्टरों की सलाह पर उनको जो कुत्ते मरे हुए हैं और जो कौवे मरे हुए हैं उनको दफनाने की कार्रवाई की जा रही है। जिन्होंने देखा कि प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर 2 कुत्तों के शव पड़े हुए हैं, एक कुत्ते के शव के अवशेष भी मिले, तो वहीं कुछ कुत्ते मरे हुए कौओं को खाते भी दिखाई दिए, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि कुत्तों की मौत बर्ड फ्लू संक्रमित पक्षियों को खाने से हुई। पशु चिकित्सा विभाग के डॉक्टर प्रदीप गोलकर ने बताया कि उन्हें खंडवा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर कुत्तों और कौओं के मरने की सूचना मिली। मौके पर पहुंचने पर सबसे पहले निगम कर्मी को पीपीई किट और दस्ताने पहनाकर मृत कौवे को उठवाया, उसके बाद कुत्तों के शव को एक बैग में रखने के बाद ब्लीचिंग पाउडर और चूने का छिड़काव किया गया। अब जांच की जावेगी कि बर्ड फ्लू संक्रमित पक्षियों के खाने से कुत्तों की मौत हुई या नहीं। मुझे सूचना मिली थी कि यहाँ जो कुत्ते मरे कौवे के खाने से मरे हैं, तो यहाँ आके प्रॉपर्ली देखा कौवे भी मरे हुए हैं, डॉग भी 2 मरे हुए हैं। तो अब इसको प्रॉपर्ली डिस्पोज करने के लिए गड्ढा करके प्रॉपर्ली हम डिस्पोज करेंगे इसको, और सैनिटाइजर जहाँ तक है, एक कुत्ता शायद गया है तो जहाँ तक है इसको पूरा सैनिटाइज करेंगे। जैसे इंसानों में तो जैसे मुर्गी है, अभी तक मुर्गी में अपने यहाँ तो नहीं पाया गया है, और ये 70-80 डिग्री पे ये वायरस खत्म हो जाता है। बर्ड फ्लू का वो खा ही चुका है ऑलरेडी, इंसानों काट लेता है, तो फिर ये प्रॉपर्ली जांच के बाद में ही बता सकते हैं घातक होगा उसके लिए, मतलब ये जांच के बाद ही बता सकते हैं रिपोर्ट के आधार पे, अभी तक तो ऐसा कुछ आया नहीं मामला। अनंत माहेश्वरी की रिपोर्ट।